नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर SSC CGL द्वारा लगभग हमारी 7,500 वैकेंसी आई है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसकी सभी डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फॉर्म की स्टार्टिंग डेट 3/4/2023 और लास्ट डेट यहाँ पर 3/5/2023 रह गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर टीयर फर्स्ट के एग्जामिनेशन लगभग जून में स्टार्ट होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पे लेवल के हिसाब से हमारी वैकेंसी को बांटा गया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पे लेवल 8 दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर असिस्टेंट्स ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट्स अकाउंट्स ऑफिसर यहाँ पर रख गए हैं। इसी तरह यहाँ पर पे लेवल 7 रखा गया है, जिसमें हमारे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रह गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर साथ ही साथ ए लिमिट भी मेंशन की गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर और रिपोर्ट दी गई है, इसमें लगभग हमारी 17 दी गई है। इसी प्रकार देखिए, यहाँ पर पे लेवल 6 दिया है, इसमें भी हमारी कुछ पोस्ट को यहाँ पर क्लासिफाइड किया गया है। इसी तरह यहाँ पर देखिए, पे लेवल 5 दिया है। इसी प्रकार यहाँ पर पे लेवल 4 यहाँ पर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए वैकेंसी की डिटेल दी गई है। यहाँ पर लगभग हमारी 7,500 वैकेंसी रह गई हैं, जिनको यहाँ पर टेंटेटिव वैकेंसी रखा गया है, मतलब यहाँ पर वैकेंसी को बढ़ाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एलिमेंट में रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया है। यहाँ पर SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए यहाँ पर 3 साल, यहाँ पर PWBD के लिए यहाँ पर 10 साल और PWBD OBC के लिए यहाँ पर 13 साल और PWD जो कि SC ST से हैं उनके लिए 15 साल की यहाँ पर छूट दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर मेंशन की गई है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारा है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी गई है, बैचलर डिग्री किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से यहाँ पर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी तरह देखिए, यहाँ पर सेकंड है जूनियर स्टैटिकली ऑफिसर। तो यहाँ पर बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी सब्जेक्ट, और साथ ही साथ यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड में यहाँ पर मैथ में 60% मार्क आपके होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी तरह यहाँ पर अगला है स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। तो यहाँ पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए सब्जेक्ट के रिलेटेड। अगला हमारा रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो यहाँ पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। यहाँ पर ऑल अदर पोस्ट दी गई हैं, तो उसमें भी आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी स्टूडेंट यहाँ पर फाइनल ईयर में है, वो भी यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एप्लीकेशन फीस भी मेंशन की गई है। यहाँ पर जनरल OBC के लिए यहाँ पर 100 फीस लग रही है, और SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं लग रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर साथ ही साथ सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की भी यहाँ पर डिटेल दी गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर सेंटर रीजन दिया है, जिसके अंडर में यहाँ पर बिहार और UP है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जितने भी हमारे एग्जामिनेशन सेंटर होंगे, उनकी यहाँ पर डिटेल दी गई है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी ऑल इंडिया वैकेंसी है, तो यहाँ पर हमारे ऑल इंडिया में सेंटर दिए गए हैं, आप कहीं भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन की यहाँ पर डिटेल दी गई है। यहाँ पर मेजर आपके 4 सब्जेक्ट रह गए हैं। यहाँ पर फर्स्ट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सेकंड आपका जनरल अवेयरनेस, थर्ड है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और फोर्थ दिया आपका इंग्लिश कम्प्रेंशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट में से 25-25 क्वेश्चन यहाँ पर लिए जाएंगे, जो कि 2 नंबर के यहाँ पर होंगे। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर एग्जाम 200 नंबर का हो जाएगा। यहाँ पर टाइम आपको 1 घंटे का दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर टीयर फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह से लिया जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जो कि 1/2 रह गई है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपका यहाँ पर टीयर सेकंड का एग्जामिनेशन होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें भी आपके डिफरेंट पेपर रखे गए हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए पेपर फर्स्ट दिया है, यहाँ पर भी देखिए सेक्शन दिए हैं, सेक्शन फर्स्ट है और नीचे यहाँ पर सेक्शन सेकंड दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सेक्शन फर्स्ट में यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट दिए हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के अंदर भी यहाँ पर सेक्शन दिए हैं, सेक्शन के अंदर यहाँ पर मॉड्यूल दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए इस तरह यहाँ पर 3 सेक्शन दिए हैं, जिसमें हमारे डिफरेंट मॉड्यूल दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए नंबर को यहाँ पर डिवाइड किया है। यहाँ पर टाइम आपका 1 घंटे का ही रहेगा, और यहाँ पर देखिए हर एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर का रखा गया है। तो इसी तरह देखिए यहाँ पर पेपर सेकंड और पेपर थर्ड यहाँ पर दिया है। यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट सिर्फ 1-1 ही दिए गए हैं, जो कि यहाँ पर 2-2 नंबर के रह गए हैं, जिसमें हमको हर एक पेपर के लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कोई डिटेल भी दी गई है, जैसे कि पेपर फर्स्ट यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कंपलसरी होगा, पर यहाँ पर पेपर सेकंड JSO मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टैटिकली इन्वेस्टिगेटर के लिए यहाँ पर लिया जाएगा। तो उसी तरह देखिए यहाँ पर पेपर थर्ड है, वो सिर्फ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए यहाँ पर रखा गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर टीयर सेकंड उन्हीं कैंडिडेट्स को देना होगा जिन्होंने टीयर फर्स्ट को यहाँ पर पास आउट किया है, और उन्हीं के नाम यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सिलेबस मेंशन किया है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो टीयर फर्स्ट के लिए यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए आपके जितने भी चैप्टर दिए हैं, उनकी यहाँ पर डिटेल दी गई है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह जितने भी हमारे एग्जामिनेशन होने हैं, उनकी यहाँ पर डिटेल दी गई है किस सब्जेक्ट में से हमारा कौन सा चैप्टर आना है। तो इसी तरह फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए टीयर सेकंड की यहाँ पर डिटेल दी गई है, मतलब यहाँ पर भी जितने हमारे मॉड्यूल हैं, जितने भी हमारे पेपर हैं, सभी की यहाँ पर डिटेल दी गई है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और जो भी क्वेरीज हो उसको कमेंट करके पूछें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।